आज बच्चों हम लोग सीखेंगे शब्द रचना, और शब्द रचना बनाने के लिए हम देखेंगे कि हमें कौन से जादू के पिटारे की जरूरत पड़ती है। ये हमारे सामने बहुत सारे अक्षर हैं। क्या है ये हमारे सामने बहुत सारे अक्षर, और इन अक्षरों से हमें बहुत सारे नए शब्द बनाने हैं। तो नए शब्द बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक जादू का पिटारा, और उस जादू के पिटारे में क्या रखी होंगी? 12 खड़ी। क्या रखी होंगी? 12 खड़ी। जैसे कि जादू के पिटारे में एक जादू की छड़ी होती है, और जादूगर उस जादू की छड़ी को घुमाता है और क्या बना लेता है? नई चीज। जैसे कि वो आपके हाथ पर कभी फूल निकाल देगा, कभी रुमाल से क्या कर देगा? कबूतर उड़ा देगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे पास जो जादू का पिटारा है उसमें रखी हुई है, देखो ये 12 छड़ियां। क्या रखी हुई है? 12 छड़ियां। इसलिए इसका नाम है 12 छड़ी। 12 खड़ी में है 12 छड़ी। 12 खड़ी में क्या है? 12 छड़ी। और ये जो 12 छड़ियां हैं, 12 खड़ी है, ये हमारी है 12 मात्राएं। क्या है ये? 12 मात्राएं। और इन्हीं मात्राओं को जब हम अक्षरों पर लगा देते हैं तो इनसे बन जाता है एक नया शब्द। जादू हो गया और बन गया नया शब्द। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ बच्चे खड़े हुए हैं जो अपना अपना नाम बताएंगे। नाम बताइए। कुलदीप। दिव्यांश। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट कर रहे हो। हिमांशु। अंकुर। देव। अनिकेत। कीर्ति। शिवम। राशि। अब हम देखेंगे कि हमारे बच्चे हमारे दिए हुए अक्षरों से कितने नए शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको दे रही हूँ, ये क्या अक्षर है? माँ। माँ दिया मैंने आपको, और ये क्या दिया? ला। क्या हम इन दोनों अक्षरों को मिलाकर कोई शब्द बना सकते हैं? बनाइए अनिकेत, कैसे बनेगा? माला। क्या बन गया? माला मल। हमने इन दोनों को बना दिया, मिला दिया, और एक हमारा नया शब्द बन गया मल। लेकिन हमें तो जादू करना है, और हमें जादू के पिटारे में से एक जादू की छड़ी निकालनी है। तो अनिकेत निकालो एक छड़ी और देखो कौन सा नया शब्द बना रहे हो। सही से लगाओ। ये माँ पे आपने काय की माता लगाई बेटा? जोर से बोलो, काय की लगाई? क्या बन गया? मूल। क्या बन गया? मूल। क्या बन गया? मूल। क्या बन गया? मूल। अब एक शब्द बन गया, एक जादू की छड़ी हमने इसमें यूज कर ली और एक शब्द बन गया मूल। अब कोई दूसरी छड़ी निकालो और दूसरा शब्द बनाओ। हाँ देव, बनाओ। आप इस छड़ी को रखा भी रहने दे सकते हो और हटा भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है ना। आप इसे हटा भी सकते हो और इसको रखा भी रहने दे सकते हो। काय की माता लगाई बेटा आपने? आकी। इन्होंने माँ के ऊपर आ की मात्रा लगा दी। क्या बना दिया? माल। क्या बना दिया? माल। चलिए पंखुड़ी, आप कोई शब्द बनाइए नया दूसरा। कौन सी मात्रा ले रही हैं आप बता देना? काय की ली? ई की। हाँ, ई की मात्रा ली। क्या बन गया? मी। और बताइए क्या लगाएंगे इसमें आप? क्या लगा दिया? ई की। क्या लगा दिया? ई की। और इन दोनों को मिला दिया तो कौन सा नया शब्द बन गया? मिली। कौन सा नया शब्द बन गया? मिली। अब कीर्ति, चलिए आप कोई नया शब्द बनाइए। इन मात्राओं को आप हटा भी सकते हैं और लगा हुआ भी रहने दे सकते हैं। कौन सी मात्रा ले रही हैं आप, बोलती जाइएगा। कौन सा लगाया मात्रा? ओकी। जोर से बोलो। ओकी। क्या हो गया? ओकी। और ये क्या लगा दिया आपने? बड़ी की। अब क्या बना दिया? मौली। क्या बना दिया? मौली। देखिए इन दोनों अक्षरों पे इन्होंने नई मात्राएं यूज करी और एक नया शब्द बना दिया मौली। अब बनाएंगे, देखिए आप क्या बनाएंगे। अंकुर आप बनाइए, क्या बनाएंगे? क्या बना दिया? माला। क्या बनाया? माला।
जोर से बोला करो बेटा अंकुर, जोर से बोलो। मौला है? मौला। मौला एक आ की मात्रा है? आ की है। तो अब इन्होंने आ की मात्रा है तो क्या हुआ ये मा, और ये क्या है ला, ये हो गया मा ला। अब ये मौला कह रहे हैं, अब इस माला को मौला कौन बनाएगा? ये तो माला कहा इन्होंने और इन्होंने बोला क्या मौला, अब मौला बनाओ, इसे कौन बनाएगा देखे। चलो अनिकेत आप बनाओ मौला, कौन सी माता लगेगी मौला पर, कौन सी लगेगी? औ की। देखो बेटा अंकुर, देखा आपने ये हुआ मौला, जब हमने माँ पर अ की मात्रा लगाई और ला पे आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया मौला। मौला क्या और भी कोई शब्द बन सकता है इससे? यस यस। चलो और देव बनाओ, दिव्यांश आइए बनाइए। हाँ वेरी गुड, उठाओ बेटा शाबाश। क्या बना दिया ये? मिला के रखो, मिला के रखो। क्या बनाया? मूली। क्या बना दिया? मूली। देखिए इस बच्चे ने मूली बना दिया, माँ पर ऊ की मात्रा लगा दी और ला पर काय की लगाई मात्रा बेटा बड़ी की, तो क्या हो गया मूली। वेरी गुड। अच्छा अब क्या कोई ऐसा बच्चा भी है इसमें से जो नए अक्षर उठाए और नए शब्द बनाए? चलो आप बनाओ, देखिए क्या बनाते हैं भाई। अब देखते हैं नए अक्षर उठाकर कोई दूसरा शब्द नया कौन बच्चा बनाता है। अब आप माँ और ला को छोड़कर कोई दूसरा अक्षर उठाएंगे, है ना, दूसरे अक्षर उठाएंगे, दो भी उठा सकते हैं, तीन भी उठा सकते हैं, चार भी उठा सकते हैं, और उनसे नए शब्द बनाएंगे। चलिए आप बनाइए पंखुड़ी। बोलते जाओ, क्या ढूंढ रही हो? कहाँ क्या ढूंढ रही हो? माँ ढूंढो कहाँ, जल्दी से इनकी हेल्प कर दो। हाँ माँ, क्या हो गया? बोलते जाओ क्या हो गया? काम और माँ मिलके क्या बन गया? काम। अब क्या हो गया ये? काम। काम क्या हो गया? काम। अब कोई दूसरे अक्षर उठा के कोई दूसरा शब्द बनाइए, बनाइए देव। उसे रहने दो, ऐसे ही दूसरे अक्षर उठा लो फटाफट, उसे रहने दो, टाइम मत वेस्ट करो। कोई दूसरे अक्षर उठाइए, बोलते जाइए क्या है ये। हाँ हाँ पे क्या मिला दिया? हाँ अब क्या क्या ढूंढ रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हैं था ढूंढो कहाँ है इनकी, हेल्प करो। अब क्या बन गया बेटा ये? क्या बन गया? हाथ। क्या बन गया? हाथ। हाथ। अब कौन सी मात्रा लगाओगे इस पे? ई की। और क्या बन गया? हाथी। क्या बन गया, सब बच्चे बोलिए हाथी। हाथी। अब चलो दिव्यांश आप आइए, अब कोई दूसरा अक्षर बना, दूसरा शब्द बनाइए। अनिकेत अब आप बनाइए टमाटर, बोलते जाओ आप बनाना, उसके बाद थोड़ी देर बाद टा माँ ढूंढो। माँ क्या हो गया? टमा टम टमा। वेरी गुड। अब क्या ढूंढ रहे हो? टा। देखो टा कहाँ है? हाँ आप भी बनाना अभी। अब क्या आएगा इसके बाद? रा। क्या आएगा? रा। क्या हो गया बेटा ये? टमाटर। वेरी गुड। कीर्ति आप किताब बनाकर दिखाइए, अक्षर उठाइए और उस पर कोई जादू की एक छड़ी उठाओ या दो छड़ी उठाओ और बनाओ किताब। बोलते जाओ क्या बना रही हो? की बन गया? की। ता। वेरी गुड। अब क्या लगा रही है इसमें? आ की मात्रा। क्या हो गया? किता। क्या हो गया? किता। अब क्या ढूंढोगी? बा। बा हाँ। क्या हो गया?
क्या बन गया ये? किताब। वेरी गुड। इसी तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एक जादू की छड़ी है, जादू का पिटारा है जिसका नाम क्या है? बारह खड़ी। क्या नाम है जादू के पिटारे का? क्या नाम है? और उसमें मात्राएं कितनी है? कितनी मात्राएं हैं? बारह। तो बारह जो खड़ी है हमारे पास वो जादू का एक पिटारा है और उसमें बारह छड़ियां हैं जिनसे हम अक्षरों पर यूज कर करके उन पे बहुत सारे नए शब्द बना सकते हैं। तो आप सब लोग अब शब्द बना लोगे? वेरी गुड।